आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल जो नई किताब है वो मैथ्स की क्लास टेन के लिए और चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर फोर ए का, ओके तो वी स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज फोर ए First question: In triangle ABC, D is parallel BC. AD is given 3.6 centimeter, AB is equal to 10 centimeter, AE is equal to 4.5. Find AC and EC. See, X, You should understand. If these two lines are parallel. टू बी सी देन वी हैव गॉट सम फॉर्मूले क्या क्या होता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एन ई सी ये एक फार्मूला है वेरी कॉमन एक और फॉर्मूला है इसमें देखो दो ट्रैंगल है ए डीई एंड ए बी सी दीज टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर सिमिलर मतलब इसके एंगल्स बराबर होते हैं इनमें एक कॉमन है और ये दोनों पैरेलल है तो एंगल ए ई विल दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर होने से करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है यानी कि छोटे ट्राइंगल का साइड ए डी बाय ए बी विल बी इक्वल टू एन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी ये फॉर्मूले याद रखते हैं ओके okay, तो इसमें हमें क्या है ए डी दिया हुआ है थ्री पॉइंट सिक्स और ए बी दिया हुआ है टेन तो डी बी कितना हो गया टेन माइनस थ्री बाय सिक्स डी कितना हो गया टेन माइनस थ्री बाय सिक्स और हमें निकालना है ए सी एंड ई सी तो पहले ई सी निकाल लेते हैं तो फार्मूला क्या होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाईसी ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी अब इसमें हम लोग वैल्यू स्पुट कर देते हैं ए डी दिया हुआ थ्री पॉइंट सिक्स और डी बी ए डी बी टेन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स टेन माइनस थ्री पॉइंट सिक्स क्योंकि ए बी टेन है ए बी टेन है और ए डी थ्री पॉइंट सिक्स है ओके इज इक्वल टू ए सी तो ए e मालूम है ई सी कितना होगा ए सी माइनस फोर पॉइंट फाइव ई सी कितना होगा ई सी ए सी माइनस फोर पॉइंट फाइव तो वी गेट दिस इंप्लाइज थ्री पॉइंट सिक्स अपॉन सिक्स पॉइंट फोर

4.5 28.8 16.2 और 3.6 से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 45 फाइव बाई थ्री पॉइंट सिक्स ओके दिस टू विल गेट फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ये निकल गया इसी इक्वल टू तो तो विल बी सेंटीमीटर ओके ओके ये पहले हमारा क्या निकला फोर पॉइंट फाइव माइनस कर दिए तो ये निकल गया इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा इन ट्रैंगल ए बी सी डी ई पैरल बी सी ठीक वही दिया हुआ है बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट थ्री ए बी दिया हुआ है ए सी इज एवन पॉइंट एलेवन पॉइंट नाइन ए सी बिनो इलेवन पॉइंट नाइन ई सी इज फाइव पॉइंट वन ए सी इज फाइव पॉइंट वन फाइंड ए डी वेरी सिंपल फॉर्मूला विल रिमेन द सेम ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी ए डी बाय डी इक्वल टू ए सी ए डी के बदले एडी रहेगा और डी बी के बदले क्या लिखेंगे 13.3 माइनस ए डी थर्टीन माइनस ए डी वेरी सिंपल इज इक्वल टू ए बाय बाईसी तो ए विल बी विनो ए सी 11.9

सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस एक्स टू वी गेट इी दिस इम्प्लाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फोर इंटू दिस एंड सेवन इंटू दिस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स फोर एक्स को ले आते हैं तो इलेवन एक्स हो जाएगा तो बाई डिवाइडिंग बाई एलेवन वी गेट एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर बहुत ही सिंपल है यू कैन डू दैट number two d and d are points on the sides ab and ac d and e are the points on sides ab and ac okay of triangle abc such that d is parallel bc same condition d is parallel bc ad is equal to x ad is given x and db is equal to x by 2, x minus 2. Ae is equal to x plus 2 given. Ec is equal to x minus 1. We have to get x. So, very simple. x by x minus 2 will be equal to x plus 2 by x minus 1. That is written here. Cross multiplication. x square minus x will be equal to x minus 2, x plus 2. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओके एक्स स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड में कट जाएगा बराबर है तो एंड माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर यानी एक्स इज इक्वल टू फोर ठीक वेरी सिंपल टू का सेकंड क्वेश्चन इंटरगल ए बी सी डी पारी सी सेम क्वेश्चन ए डी इज गिवन फोर

and EC is given 3x minus 19. Cross multiply this and this. 12x, 12x minus 76 will be equal to 8x minus 32. Solve this. 8x को इधर ले आते हैं, 76 को इधर ले आते हैं, तो we get x is equal to 11. ठीक? फॉर्मूला वही रहेगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बहुत ही आसान चैप्टर है थर्ड क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरल बी सी ए डी इज गिवन इज गिवन डी बी इज गिवन एंड ई सी इज गिवन वेरी सिंपल सिर्फ उसमें ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए लगाना है ठीक है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है बहुत ही आसान है कैन डू दैट सो आई लिव इट क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री गिवन ट्रबीसी डी एंड ऑन ए बी एंड ए सी सेम ट्र सेम प्रॉब्लम सेम टाइप प्रूव दैट डी पैरल बी सी ओके सो AD is इज गिवन DB is given 9.5, AE इज गिवन to 4.8, EC is इक्वल टू 8 centimeter. AD by टू is सेंटीमीटर to AE by EC. So 5.7 by 8.5 is सो to 4.8 by 8. We see parallel हमें इसमें साबित करना है दिस इज रिवर्स उससे पैरलेल दिया हुआ था इसमें parallel साबित करना है यानी अगर ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए तो वो कन्वर्स सो पहली बताते हैं 5.7 अब ये दोनों रेशियो अगर बराबर हो जाए तो वो पैरेलल हो जाएगा अगर पैरेलल था तो वो रेशियो बराबर होता था तो उसका कन्वर्स क्या है अगर ये रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा तो ये रेशियो दोनों बराबर हो गया तो वो इसका मतलब कि लाइन पैरेलल है ओके टी पैरेलल बी थर्ड क्वेश्चन सेकंड, ए बी इज गिवन एलेवन पॉइंट सेवन ए सी इज इक्वल टू 11.2, पॉइंट टू बी डी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर same type of question AD by DB is equal to AE by EC you see AD by DB is equal to AE by EC we get AD is equal to 11.7 minus 6.5 okay, this is 11.7 and minus 6.5 BD BD is given 6.5 so AD will be 11.7 minus 6.5 that is given and DB is 6.5 given is equal to AE upon EC. A is given 4.2 and EC will be 11.2 minus 4.2. Okay. So, this implies 5.2 by 6.5 is equal to 4.2 by 7. Any? Yani we get this is 0 0.8, this is 0 0.6. जीरो पॉइंट एट इज नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स ठीक यानी कि ये दोनों पैरेलल नहीं था इसके पहले क्वेश्चन में दोनों बराबर हो गया था तो पैरेलल हो गया था ठीक है इसमें पैरेलल नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुआ ठीक यही साबित करना था कि ए डी इज नॉट पैरेलल बी सी थर्ड क्वेश्चन ए बी इज गिवन टेन ए डी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट थ्री ए सी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट सिक्स सी इज इक्वल टू फोर ठीक तो एडी एडी बाय टीबी एडी इज सिक्स पॉइंट थ्री गेबल सिक्स पॉइंट थ्री बाय डी बी डी बी विल बी टेन पॉइंट एट माइनस सिक्स पॉइंट थ्री विल बी डी बी ओके सो एंड नाइन पॉइंट सिक्स माइनस फोर यानी ये ये नाइन पॉइंट सिक्स है नाइन पॉइंट सिक्स और इसी दिया हुआ है फोर तो यही क्या हो जाएगा नाइन पॉइंट सिक्स माइनस फोर बाय EC इज गिवन फोर सो नाइन पॉइंट सिक्स माइनस फोर बाय फोर यानी कि ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर ये भी वन पॉइंट फोर आएगा और ये भी वन पॉइंट फोर ही आएगा सो वन पॉइंट फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सो डी वी बिल भी इक्वल टू Uh, uh, will be parallel to BC. D will be parallel to BC. Fourth question. AD is given 7.2. A is given this 6.4. AB is equal to 12. AC is equal to 10. In this also we see AD by DB. AD is equal to 7.2 and DB. DB will be 12. माइनस सेवन पॉइंट टू क्योंकि ए बी जो है वो ट्वेल्व दिया हुआ है उसमें सेवन पॉइंट टू को माइनस कर देंगे ठीक ये सेवन पॉइंट टू दिया हुआ है तो ए डी बाय डी बी विल बी ट्वेल्व माइनस सेवन पॉइंट टू एंड एज गिवन सिक्स पॉइंट फोर इसी इज गिवन टेन पॉइंट सिक्स फोर ये सॉल्व करने से दोनों इक्वल नहीं आएगा ठीक सॉल्व करने से यू डू दैट आई लिव इट टू यू ये दोनों इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब दोनों पैरल नहीं है यानी कि डी इज नॉट पैरल टू बी सी ये साबित करना था इसमें ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर फोर इन ट्रैंगल ए बी सी एडी इज बाय ऑफ एंगल ए एडी इज बाय ऑफ एंगल ए ठीक ए बी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर ए सी इज इक्वल टू एट बी डी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स एंड बी सी इज इक्वल टू फाइंड बी सी एंड डी सी तो पहले हम लोग डी सी निकाल लेते हैं फार्मूला क्या होता है अगर ये एंगल बायसेक्टर है ठीक ये एंगल का बायसेक्टर होता है तो क्या होता है फार्मूला याद रखना है ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी ठीक ये फॉर्मूला है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी सब वैल्यू रख देते हैं बी डी फाइव पॉइंट सिक्स गिवन एंड DC, DC कितना होगा मान लिया बी सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं ठीक बी सी को एक्स मान लेते हैं तो डी सी कितना होगा X 6, ये है BD, तो डीसी कितना होगा एक्स माइनस फाइव पॉइंट सिक्स तो फाइव पॉइंट सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी ए बी दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है 6.4 upon 8 You solve this cross multiply and solve 6.4x is equal to this much is equal to multiply this so you get 44.8. So x we get 12.6. X is BC. Okay. So BC mil gaya 12.6. So DC now got 12.6 minus 6.5 you know 6.5 the. तो डी से निकल आएगा विल बी इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ओके फोर्थ का सेकंड ए बी इज गिवन ए सी इज गिवन टेन एंड फोरटीन बी सी इज इक्वल टू सिक्स वी गेट एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन अपॉन फोर्टीन ए बी इज गिवन टेन सी ए बी इज गिवन टेन ए सी इज गिवन फोर्टीन सो दिस इज टेन अपॉन फोर्टीन एंड बी डी अगर इसको हम लोग x मान ले इसको x मान लेते हैं सॉरी बी सी इसमें दिया हुआ है सिक्स ठीक तो इसमें x मान लेते हैं हम लोग बी डी को x मान लेते हैं तो दिस भी एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स दिस विल बी सिक्स माइनस एक्स एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स ठीक बहुत सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व यू गेट एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव ओके यानी कि बी डी निकल गया टू पॉइंट फाइव तो डीसी कितना होगा सिक्स माइनस टू पॉइंट फाइव ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस ए बी इज इक्ल टू फाइव पॉइंट सिक्स बी डी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू बी सी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर सबका वैल्यू रख देना है थ्री बी डी अपॉन डी सी सिक्स माइनस थ्री पॉइंट टू ठीक यू कैन डू दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी ए बी दिया हुआ है फाइव पॉइंट सिक्स अपॉन ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने से यू कैन गेट ए सी इज इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन फाइंड एंड एसी ठीक फोर्थ का फोर्थ ए बी इज गिवन फाइव पॉइंट सिक्स ए सी इज गिवन फोर डी सी इज थ्री वी सी यूज द सेम फॉर्मूला सो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी बी डी को यहाँ एक्स मान लेते हैं तो बी डी बाई डी सी इज थ्री बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी ए बी और ए सी दोनों दिया हुआ है सॉल्व दिस यू गेट एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू ठीक तो हमारा बी सी क्या होगा फोर पॉइंट टू प्लस जो हमारा ये डी सी थ्री दिया हुआ है फोर पॉइंट टू प्लस थ्री ठीक इज इक्वल टू सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर फिफ्थ क्वेश्चन ट्रायंगल ABC and PQR are similar. You should know what is similar. Similar means they look similar, but they are not equal. Similar means angles are equal. Suppose these two are similar, means angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. All angles are equal and so their sides are proportional. Sides proportional mean matlab ab by pq is equal to bc by qr is equal to ac by pr you should know these formulas very simple then perimeter of the two triangles are given 32 and 24 perimeters are given pq pq is given 12 find ab formula you should know रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स यानी पैरिमीटर ऑफ ए बी सी एंड पैरिमीटर ऑफ पी क्यू आर आर इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर प्रोपोर्सनल ओके इट कैन बी ए बी बाय पी क्यू इट कैन बी बी सी बाय क्यू आर इट कैन बी ए सी बाय पी आर वी नीड हियर ए बी बाय पी क्यू ठीक हमें ए बी फाइंड करना है ए बी बाई पी क्यू सबका वैल्यू रख देना है ए बी बाई पी क्यू पी क्यू इज गिवन टीटर सोल्वी टू दिस आर सिमिलर सेम क्वेश्चन दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर सिमिलर दिस टू ट्रंगल्स आर सिमिलर बी सी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन ई एफ इज सिक्स पॉइंट फाइव पेरीमीटर DF is equal to 25. So you have to find perimeter of ABC. Put the same formula: perimeter ABC by 25 is equal to proportional to sides 9.1 by 6.5. Cross multiply and get the solution. Perimeter of ABC will be equal to 35 centimeters. Okay, seven. seven. ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इनो यू हो वेरी वेल ट्रेपेजियम में क्या होता है दीज टू आर पैरल ए बी एंड डी सी आर पैरल साइड और ये दोनों मे बी इक्वल मे बी अनईक्वल ठीक ए डी एंड बी सी मे बी इक्वल मे बी अनईक्वल दीज टू आर पैरल नॉट इक्वल ओके एंड दे इंटरसेक्ट एट ओ

वो ट्रेपेजियम में प्रोपोर्सनेट एक दूसरे को कट करता है यानी कि ए सी विलवल टू बीओ बायी एसी इज इक्वल टू BO बाई ओडी अब सबका वैल्यू रख देना है दिया हुआ है फाइव एक्स माइनस सेवन सेवन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू ओके यू गेट दिस थर्टी फाइव स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फोर्टी नाइन एक्स थर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर्टीन ये आप लोग कर लोगे. इसमें छोटी सी बात है इसमें समय बर्बाद करना ठीक नहीं है सो सॉल्व दिस फोर्टीन एक्स स्क्स को भी इधर ले आते हैं, all, ले आते हैं सब सबको इधर ले आते हैं तो वी गेट दिस ठीक ट्वेंटी माइनस एटी थ्री एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो सी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री टू और इसका सोल्यूशन क्या होता है इफ यू नो इफ यू डों दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी इज यस एट्टी थ्री बी इज यन वी गेट द सोल्यूशन हैज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 एसी बाय 2 ए तो माइनस बी मतलब यहाँ बी का वैल्यू है माइनस 83 तो माइनस माइनस 83 इट विल बी प्लस 83 ओके सो इट इज प्लस 83 देन प्लस माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज माइनस 83 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 83 स्क्वायर माइनस 4 एसी 4 ए So we solve this; it will become like this. So we get the value x is equal to this. Solve, you get the value of x: three point four nine or zero point four six. Very simple question. You have to get the value of x. Question number eight: In triangle ABC, bisector of B meets AC at D. Bisector of B meets AC at D. बाई सेक्टर ऑफ बी दिस इज बाय सेक्टर ऑफ बी एंगल बी एंड पी क्यू पैरल ए सी पी क्यू इज पैरल टू ए सी गिवन मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी एट पी क्यू आर मीट्स ए बी बी सी एंड बी डी एट पी क्यू आर यानी ये पी क्यू आर पे मीट करता है ये लाइन पैरल बी और पी क्यू आर पे मीट करता है प्रूव दैट इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो मन में उसको ध्यान में लाना है कि हमको कुछ प्रोपोर्शनेट साबित करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाता है ठीक कुछ प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनल साबित करना पड़ेगा तो बी आर जो है ये एंगल बी को बायसेट करता है क्योंकि ये एंगल बी को बायसेट करता है तो बी आर भी जो है बी आर तो सेम लाइन है बी आर भी बायसेट करेगा एंगल बी को यानी कि वी कैन राइट अपॉन बी पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर ठीक दिस लाइन बाय दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन बाय दिस लाइन ये फॉर्मूला है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द रिजल्ट बहुत सिंपल है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी ई एंड एफ ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट मिड पॉइंट मतलब दिस डी ई विल बी इक्वल टू ई एंड सी एफ विल बी इक्वल टू एफ बी ओके यानी कि डी ए विल बी टू टाइम्स डी क्योंकि ये मिड पॉइंट है ठीक है डी ए विल बी टू टाइम्स डी ई इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो पी डी बाई डी दिस एंगल पी ए बी ये दोनों पैरल है ट्रेपेजिया में तो ट्रेपेजिया में तो ये दोनों पैरल है डी सी एंड ए बी तो वी कैन राइट पी डी बाय डी ए विल बी इक्वल टू पी सी बाय सी बी ठीक

पिछले सवाल में हम लोग देख चुके हैं तो यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गया कन्वर्स थ्योरम पी डी बाय डी टू पी सी बाय सी एफ यानी कि ये दोनों हो गया पैरेलल, और डी सी और ए बी तो पैरेलल था ही क्योंकि टेपेजियम था यानी कि ये तीनों पैरेलल हो गए ओके okay? तीनों पैरेलल हो गए ई एफ पैरलेल डी सी एफ पैरलेल डी सी एंड ई एफ पैरलेल ए बी यानी तीनों पैरलेक् एबीसी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी सी ए बी सी दिस इज ए ट्रेंगल ए बी सी एंड बी सी डी बी सी डी ये ट्रेंगल lie ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी बी सी पर ये दोनों है ठीक पी क्यू पैरले बीसी पी क्यू BC, बी सी पी पी क्यू पैरलेल बी सी एंड पी आर पैरलेल बी डी पी आर पैरलेल बी डी पी क्यू यहाँ बी सी नहीं होगा यहाँ ए बी होगा ये गलत लिखा गया जस्ट करेक्टेड पी क्यू पैरलेल ए बी पी क्यू पैरलेल ए बी यहाँ होगा दिया हुआ है पी क्यू AB, ए बी ओके एंड पी आर पैरलेल बी डी पी आर पैरलेल बी डी ये दिया हुआ है तो प्रूव करना है क्यू आर पैरलेल ईडी क्यू आर पैरलेल क्यू आर पैरलेल एडी यानी क्यू आर पैरल ईडी इसको पैरलेल साबित करना है ठीक तो प्रोपोर्शनल साबित कर देते हैं तो एबीसी पहले आते हैं इस टैंगल में इसमें दिया हुआ है ये पैरेलल है तो इधर से शुरू करते हैं सी क्यू अपॉन क्यू ए विल बी इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी ठीक है सीपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए आई क्यू जो भी है ठीक यानी दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए क्योंकि ये पैरेलल है दोनों लाइन सिर्फ कंसंट्रेट करना है इसमें कुछ नहीं है यह नजर का धोखा है और कुछ नहीं है इन ट्रगल बीसीडी बी सी डी में क्या होगा बी सी डी ये पैरले है तो सीपी अपॉन बीपी विल बी इक्वल टू सी आर अपॉन टी आर ठीक इस ट्रेंगल में बीसीडी ट्रेंगल में यह पैरल है तो Cp अपॉन पी वी इज इक्वल टू सी आर अपॉन डी आर ठीक अब देखो सी पी अपन पी बी तो कॉमन हो गया दोनों में सी पी अपॉन बी पी इसमें भी है इसमें भी है कॉमन है यानी कि वी गेट सी क्यू अपॉन एक्ू इज इक्वल टू सी आर अपॉन डी आर ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है सेम है तो सी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू सी आर अपॉन डी आर सी क्यू अपॉन सी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू सी आर अपॉन डी आर सी आर दिस अपॉन डी आर तो क्या हो गया अगर हम लोग इस एंगल को देखें ए सी डी तो सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन डी आर ये कब होगा जबकि क्यू आर और एडी पैरलेल होगा ठीक है सिर्फ इसमें कंसंट्रेट करना है ठीक तो साबित हो गया कि ये और ये पैरलेल है क्यू आर इज ई पैरलेल टू ए डी इन ट्राइंगल ए बी सी मीडिय मीट एट ओ यह मीडियन है यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी ठीक बी डी इज इक्वल टू डी सी मीट एट ओ सो दैट ई एफ इज पैरल टू बी सी ई एफ इज टू बी सी ठीक तो ओ डी को के बराबर इधर डी एक्स ठीक ओ डी के बराबर डी एक्स बनाते हैं तो ये मीडियम था तो ये और ये बराबर है बी डी एंड डी सी और ये और ये बराबर ओ डी एंड डीएक्स ये दोनों बराबर ठीक है तो यानी क्या हुआ ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हो जाता है पैरलेलोग्राम तो ये पैरलेलोग्राम हो गया बी एक्स सी ओ एक पैरलेलोग्राम हो गया बी एक्स सी ओ हो गया क्योंकि डायगोनस बायसेक्ट किया ठीक है डायगोनस बायसेक किया तो पैरलेलोग्राम हो गया यानी कि बी एक्स OC, ओ सी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये ओ सी एक्सटेंड है यहां तक तो बी एक्स OF, ओ एफ और इधर सी एक्स OE, ओ ठीक है वही चीज आएगा जैसे फ्रॉम वन ए बाई ओ एक्स ए बाय ओ एक्स क्योंकि अभी साबित की ये पैरल है एफ ओ एफ और बी एक्स पैरलेल है तो वी ए बी एक्स ए बी एक्स ए बी एक्स इसमें ये दोनों लाइन पैरलेल है ओ एफ और एक्स बी ओ एफ एंड एक्स बी आर पैरलेल तो हम लोग लिख सकते हैं ए बाई एक्स इज इक्वल टू ए एफ बाय बी उसी तरह इसमें लिख सकते हैं ए बाय ओ एक्स इज इक्वल टू ए सी क्योंकि ये पैरल है ओ एंड एक्स सी आर पैरल ठीक है तो ए बायक्स इज इक्वल टू ए बाय ई सी तो ए बायो एक्स कॉमन हो गया दोनों में तो हम लोग क्या हम लोग क्या मिला ए एफ बाय एफ बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी ठीक है यानी कि अब ट्रग अगर ए बी सी को देखें, तो हम लोग क्या पाए ए एफ बाय एफ बी इज इक्वल टू ए बाय कि ये एफ ई जो है वो बी सी के पैरल होगा ठीक है ए बी सी में क्या मिला हमको ए एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू ए सी तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया जैसे हर सवाल में होता है ये साबित करना था एफ पैरल बी सी वेरी सिंपल जस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम सॉरी ए बी सी डी इज ए पैरलेलो ग्राम पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी इुड बी डी सी जस्ट करेक्ट इड जस्ट करेक्टेड टी इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी इी डीसी क्यू इज ए पॉइंट ऑन ए सी सच दैट सी क्यू इज इक्वल टू वन बाय फोर ए सी सी क्यू इज इक्वल टू वन बाय फोर ए सी ए सी का वन बाय फोर ओके यानि की सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड सी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू एंड दिस बी डबल ओके क्योंकि ये डायगोनस बायसेकट करेगा एनी वे जस्ट टू रिमाइंड यू प्रूव दैट आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी डायगोनस ए सी एंड बी डी बाइसेकट ठीक ये ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ठीक है ये पैरेलोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा यानी कि OC विल बी हाफ AC OC विल बी हाफ AC बायसेट कर रहा है तो OC, ये OC जो है AC का आधा होगा एंड सीक्यू विन बाय सी क्यू इज गिवन वन बाई फोर एसी सीक्यू इज गिवन वन बाय फोर एसी ओके यानी CQ इज इक्वल टू वन बाई फोर ए सी गिवन ए के बदले लिखते हैं टू ए सी ओ सी टू इंटू ओसी ए सी इज इक्वल टू टू इंटू ओ सी ओ सी का डबल होगा तो वन बाय फोर इंटू टू इंटू ओ सी सो विट दिस विल टू एंड फोर कट तो हाफ ओ सी हाफ ओ सी क्यू विल बी सी क्यू विल बी हाफ ओ सी सी का आधा होगा सी क्यू ठीक ये निकला इधर सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी क्योंकि आधा निकल गया वो सी क्यू इज हाफ ऑफ ओ सी यानी कि मिड पॉइंट हो गया तभी आधा होगा सही है क्योंकि सी क्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू इंप्लाइज पी क्यू इज पैरले टू डी ओ पी क्यू इज पैरल टू डी ओ इन ट्रैंगल ओ डी सी दिस ट्रैंगल ओ डीसी के क्यू इज मिड पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी बराबर बराबर है यानी पी क्यू इज पैरलेल टू डी यू पी क्यू इज पैरलेल टू डी यू क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट था और ये भी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाने से ये दोनों पैरल हो गया ठीक है अगर लाइन का मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो पैरल होगा यू शुड नो दिस ठीक हेंस क्यू आर इज पैरल टू दिस लाइन इज एक्सटेंडेड इट मीन्स क्यू आर इज पैरलेल टू ओ बी अभी हमने क्या साबित किया पी क्यू इज पैरलेल टू डी ओ ठीक है ना ये मिड पॉइंट साबित करके ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट था ही इसको मिड पॉइंट साबित किया तो पी क्यू पैरलेल टू डी ओ निकाल दिया और यही दोनों लाइन एक्सटेंड किया हुआ है यानी कि क्यू आर पैरलेल टू ओ बी क्यू आर पैरलेल टू ओ बी यहाँ क्यू आर पैरलेल टू ओ बी यानी कि अगर ये पैरेलल है ठीक है पैरेलल है तो अब ये चूंकि मिड पॉइंट है किसका? OC का मिड पॉइंट है, और ये पैरेलल है ये दोनों ओ बी एंड क्यू आर पैरेलल है इसका मतलब कि ये भी मिड पॉइंट होगा ठीक क्यू आर आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और Q जो है वो ओ सी का ओ सी का मिड पॉइंट है ठीक तो ये भी मिड पॉइंट होगा ठीक यही साबित करना था इसमें क्वेश्चन थर्टीन ए बी सी डी इज ए क्वारिलेटरल ए डी इज इक्वल टू बी सी ए बी सी डी इज क्वार्टिलेटरल ए डी इज इक्वल टू बी सी ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर एस ये PQR, जो है ये लाइन्स का मिड पॉइंट है P, P जो है AB का मिड पॉइंट है R DC का मिड पॉइंट है S BD का मिड पॉइंट है और Q वो AC का मिड पॉइंट है ठीक तो साबित करना है कि ये है, साबित करना है ये रॉम्बस है तो हम लोग ACD को देखते हैं और क्यू आर आर मिड पॉइंट ए सी डी देखो ए सी डी ए सी डी में ये दोनों मिड पॉइंट है यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गया ठीक ठीक है फिर ये टेंगे ले, ले लेते हैं इसमें एस और आर मिड पॉइंट है ठीक तो एस आर इसके पैरेलल हो गया ठीक ABD में अब ABD लो ABD में एस एंड पी मिड पॉइंट मिड पॉइंट है ठीक तो एस पी इज पैरल टू डी एस पी इज पैरल टू डी ए मिड पॉइंट में पैरल हो जाएगा एस और पी मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरल हो जाएगा यानी एस पी इज इक्वल टू हाफ डी ए ठीक मिड पॉइंट है ये अगर मिड पॉइंट है एस तो एस पी विल बी इक्वल टू हाफ डी ए ठीक थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है ना क्योंकि देखो एस पी बाय डी एल बी इक्वल टू बी एस बाय बी डी एक फॉर्मूला सबसे शुरू में मैंने बताया था इसी एक्सरसाइज में ठीक तो ये मिड पॉइंट है तो बी एस अपॉन बी डी इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है यानी कि एस पी इज हाफ डी एस पी भी इसका आधा होगा ठीक सो आर क्यू इज इक्वल टू एस पी ठीक यानी आर क्यू इज इक्वल टू एस पी भी हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने साबित किया था क्या और एक साबित किया था आर क्यू इज पैरल टू एस पी आर क्यू इज पैरल टू एस पी ठीक इन दोनों से ठीक है अब ट्रैंगल बी सी डी लेते हैं बी सी डी बीसीडी देखो ये ट्रायंगल बी सी डी कंसंट्रेट एस आर पैरेलल बीसी बीसी ठीक एंड एस आर इज हाफ बी सी एस आर इज हाफ बी सी क्योंकि मिड पॉइंट है तो एस आर जो है बीसी का भी आधा होगा इस ट्रायंगल में एंड एस आर विल बी हाफ बीसी इन बी सी ए बी सी पी क्यू बी सी देखो पी क्यू पैरले बीसी और ये दोनों मिड पॉइंट है तो यानी पी क्यू विल बी हाफ बी सी अगर मिड पॉइंट रहता है तो ये पी क्यू इसका हाफ हो जाता है ये सब जो पहले आया वैसे ही है पी क्यू विल बी हाफ बी सी सो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर पी क्यू विल भी पैरल टू एस आर ठीक है एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर विल भी इक्वल टू हाफ बी सी बी सी का आधा पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ एस आर पी क्यू एंड एस आर आर इक्वल ठीक पी क्यू एंड एस आर आर इक्वल ठीक क्यों देखो एस आर विल भी हाफ बी सी निकला ना एस आर विल भी हाफ बी सी और पी क्यू भी हाफ बी सी ठीक यानी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो गया पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ बी सी तो वन और टू से क्या मिलता है एडी विल भी इक्वल टू बी सी यानी कि आर क्यू इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर एस यानी कि चारों बराबर हो गए ठीक चारों बराबर हो गए क्यों क्योंकि AD और BC बराबर दिया हुआ है AD और BC बराबर दिया हुआ है देखो तो ये AD और ये BC बराबर दिया हुआ है ठीक है यानी कि ये आरक्यू एसपी एंड पी क्यू सारे बराबर हो गए आरक्यू एस पी पी क्यू सारे बराबर हो गए क्योंकि AD और BC बराबर दिया हुआ है आर क्यू इज इक्वल टू एस पी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड वो पैरेलल भी साबित कर चुके हैं तो ये हो गया रोम्बस ठीक लास्ट क्वेश्चन ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ये दोनों मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड ए सी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए ई ए डी इज इक्वल टू ए मिड पॉइंट है और ये दोनों तो बराबर है ऑलरेडी ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है तो उसका मिड पॉइंट है तो ए डी और ए ई भी बराबर होगा मिड <coughs> पॉइंट है तो डिवाइड करेगा ना तो ए डी इज इक्वल टू ए ए डी विल भी इक्वल टू ए तो ए बी माइनस ए डी विल भी इक्वल टू ए सी माइनस ए ठीक है क्योंकि देखो ए बी और ए सी बराबर है दिया हुआ है ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है और ए डी और ए ये दोनों ही बराबर तो ए बी माइनस ए डी विल बी कर राइट ए सी माइनस ए ई ठीक यानी कि डी बी इज इक्वल टू ई सी यानी कि डी बी इज इक्वल टू ई सी ठीक बहुत सिंपल है ये दोनों बराबर दिया हुआ था और ये मिड पॉइंट दिया हुआ है यानी कि ये और ये बराबर तो माइनस करेंगे ए बी में से ए डी को यानी कि बी डी और ए सी माइनस ए ई इज इक्वल टू ई सी तो ये दोनों भी बराबर हो गए ठीक ए डी डी बी इज इक्वल टू ई सी ए तो ए डी बाय डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी ठीक क्योंकि ये मिड पॉइंट है ये दोनों मिड पॉइंट है तो ए बाय बराबर है ना दोनों एक के वन के बराबर होगा एडी और डी बी बराबर है ए बाईसी बराबर है तो रेसियो वन होगा यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाईसी यानी कि डी इज पैरले टू बी सी ठीक है सिंपली इसमें सीधा समझना है कि ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरले साबित कर देना है ठीक डी इज पैरल टू बी सी ओके एंगल डी ई सी ये अगर ये दोनों पैरेलल हो गया तो पैरेलल में क्या होता है ये प्लस ये एंगल 180 डिग्री बराबर होता है ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री होता है ठीक ये और ये मिलके 180 डिग्री होता है यानी डी सी ये एंगल प्लस ई सी डी ये एंगल विल बी इक्वल टू तो 180 डिग्री दिस प्लस डी सी प्लस ई सी डी यानी सी बी डी ई सी डी के बदले हम लोग लिख सकते हैं सी बी डी क्योंकि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ठीक ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ठीक आइसोसलस तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा तो ई सी डी के बदले लिख सकते हैं हम लोग सी बी डी ई सी डी के बदले लिख सकते हैं सी बी डी ठीक यानी कि डी सी प्लस सी बी डी इज हंड्रेड डिग्री क्योंकि बी और सी एंगल बराबर दिया हुआ है यानी कि बी सी क्यू इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये दोनों मिलकर 180, ये दोनों मिलकर 180, तो डी यानी कि क्या साबित हुआ डी ई सी प्लस डी बी सी यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू वन एट्टी ये कब होता है जब वो साइकिल क्वारिलेटरल होता है ये साइकिल मतलब एक सर्कल में आता है वो ठीक ये पॉइंट सारे सर्कल में होते हैं ये सर्कल मैंने जस्ट एक बना दिया है इस शुड बी सर्किल तो उसको कहते हैं साइकिल साइकिलिक क्वाडिलेटरल है साथिक्लिक। साथिक्लिक उसमें ये एंगल और ये एंगल को मिला के वन होता है ठीक दिस इज ए साइक्लिक क्वारेटरल प्रूफ सिंपल यानी कि इसको साइक्लिक क्वारेटरल साबित करने के लिए क्या करना है ये और ये एंगल को वन साबित करना है ठीक तो ये दोनों को पैरेलल साबित कर दिए पैरेलल साबित करने से ये और ये मिलके 180 हो गया और इसके बराबर ये है यानी कि ये और ये मिलके भी वन एटी यानी कि साइक्लिक क्वारेटरल हो गया ठीक बहुत सिंपल है आई थिंक यू आर. इफ यू लाइक दिस जस्ट सब्सक्राइब थैंक्स फॉर लिसनिंग